आर्यनगर के मार्केट में सुजीत अपनी कार से वेजिटेबल लेने जाता है। मार्केट जाकर वो एक साइड में कार पार्क कर देता है और वेजिटेबल लेने चले जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है और कार स्टार्ट करने लगता है तो कार स्टार्ट नहीं होती। सुजीत समझ जाता है कि किसी ने उसकी कार के साथ कुछ छेड़छाड़ की है, लेकिन क्या छेड़छाड़? क्या आप सीन के पहले और बाद की फोटो देख के बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कार के साथ क्या छेड़छाड़ हुई होगी? सोचिए सोचिए। जब सुजीत मार्केट गया था तब उसके पेट्रोल का मीटर पूरा फुल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब पेट्रोल के मार्क को देखिए, वो एम्प्टी हो गया है। मतलब किसी ने पूरे कार से फ्यूल ही चुरा लिया है। सुजीत तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके वहां बुला लेता है। मेहुल थोड़ी देर में मार्केट पहुंच जाता है। मेहुल के आने पर सुजीत मेहुल को बताता है कि थोड़ी देर पहले ही उसने कार की टंकी को फुल करवाया था और मार्केट में सब्जी लेने आया, लेकिन यहाँ पे पूरा पेट्रोल गायब हो गया। मेहुल को थोड़ा डाउट होता है कि वो सच कह रहा है या नहीं। ये पता करने के लिए मेहुल कार को अच्छे से देखने लगता है और थोड़ी देर में मेहुल भी समझ जाता है कि सुजीत सच कह रहा है कि पेट्रोल सच में चोरी हो गया है। ऐसा क्या देखा लॉजिकल आर्मी मेहुल ने जिससे उसे यकीन हो गया कि सुजीत सही कह रहा है? सोचिए सोचिए। पेट्रोल फिल करने वाली जगह के पास देखिए, पेट्रोल की कुछ बूंदे गिरी हुई है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि गाड़ी का पेट्रोल चोरी ही हुआ है। तभी मेहुल को उस पार्किंग की जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखते हैं। मेहुल तुरंत उनकी फुटेज चेक करता है। चोरी करते हुए तो मेहुल को कोई फुटेज नहीं मिलते, लेकिन चार फुटेजेस मेहुल को ऐसी मिलती है जिससे मेहुल समझ जाता है कि चोरी कौन कर रहा है। क्या आप इन चारों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है, एबीसी या डी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। कम से कम 25 से 30 लीटर के पेट्रोल की चोरी हुई है। अब बॉटल्स वाला आदमी तो ये कर नहीं सकता, और तीसरे वाले के हाथ में ट्रांसपेरेंट कैन है, वो भी नहीं कर सकता चोरी। मार्केट एरिया है, कोई भी उसे चोरी करते हुए देख लेगा, मतलब ये चौथे आदमी ने किया होगा। वो जिस डायरेक्शन में जाता है मेहुल भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाकर मेहुल को तीन अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। अब चोर कौन से रास्ते पे आगे गया होगा? मेहुल सोच में पड़ जाता है और ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है और समझ जाता है कि चोर आखिर कौन से रास्ते पे गया होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों रास्तों को ध्यान से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं चोर कौन से रास्ते पे गया होगा, ए बी या सी? सोचिए सोचिए। तीनों रास्तों पर लोगों के आने और जाने के काफी फुटस्टेप्स है, लेकिन रास्ते सी को देखिए, उसमें कैन को कुछ इस तरह से रोटेट करके लेके जाने के भी निशान है। कैन हैवी हो गई होगी तो चोर ने उसे रोटेट करता हुआ इसी रास्ते से आगे लेके गया होगा। थोड़ी देर बाद वो निशान चले जाते हैं और मेहुल को टायर्स के निशान दिखते हैं। जरूर उस कैन को उठा के किसी कार में डाल दिया गया होगा और फिर कार लेके यहाँ से वो चोर भाग गया। मेहुल कार के निशान का पीछा करते हुए सिटी के मेन रोड तक आ जाता है, लेकिन अब वहां टायर के निशान नहीं दिख रहे थे और आगे जाने के लिए दो डायरेक्शन थे, लेफ्ट और राइट। लेकिन अब मेहुल कौन से डायरेक्शन में जाए, मेहुल सोचने लग जाता है। तभी मेहुल को वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखते हैं। मेहुल तुरंत वहां की फुटेजेस निकालता है जिसमें कुछ गाड़ियां लेफ्ट जा रही थी और कुछ गाड़ियां राइट जा रही थी। मेहुल फुटेजेस को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि चोर की गाड़ी कौन सी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन चारों फुटेजेस को देख के बता सकते हैं इनमें से चोर की गाड़ी कौन सी हो सकती है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल फुटेजेस देख के समझ जाता है कि चोरी वैन में हुई है, क्योंकि वैन के पीछे देखिए एक बड़ा सा वही ड्रम रखा हुआ है जिसमें वो चोर ने पेट्रोल की चोरी की थी। मतलब चोर कार में नहीं बल्कि वैन में भागा है। मेहुल वैन के डायरेक्शन में अपनी कार ले लेता है और निकल जाता है। मेहुल काफी ढूंढता है लेकिन उसे आगे कोई सुराग नहीं मिलता, तक के मेहुल वापस वहीं आ जाता है जहां पे सुजीत की कार से पेट्रोल चोरी हुआ था। ये जरूर कोई प्रोफेशनल चोर है, नहीं तो इतना सारा पेट्रोल कार से मार्केट एरिया में चोरी करना आसान नहीं है। जरूर ऐसी और चोरियां होगी और तब मैं इन लोगों को पकड़ लूंगा। तभी वहां आलिया पहुंचती है जो मेहुल को काफी देर से ढूंढ रही थी। वो एकदम मेहुल के सामने ब्रेक लगाती है। आलिया, क्या आज मुझे मारने का प्लान है? आलिया हंसने लगती है और मेहुल को बताती है कि बलजीत नगर में एक और पार्किंग एरिया में कार से पेट्रोल चोरी हुआ है। मेहुल और आलिया वहां के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद आलिया मेहुल को बताती है कि यहां खड़ी तीन गाड़ियों में से पेट्रोल चोरी हुआ है, और आलिया मेहुल को वो कार बताती है जिनमें से पेट्रोल की चोरी हुई है। मेहुल उन कार्स को ध्यान से देखता है और तभी मेहुल को एक बहुत बड़ी हिंट मिल जाती है। कौन सी हिंट और क्या हिंट? लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन कार्स को देख के समझ पाए मेहुल को ऐसी क्या हिंट मिल गई है? आलिया, तुम मेरे दिमाग के लिए एक कैटलिस्ट जैसी हो। जब भी आती हो मेरा दिमाग तेज चलने लगता है
तीनों नंबर्स को ध्यान से देखो, तीनों कार दिल्ली की है और सुजीत की कार भी दिल्ली की थी। मतलब वो चोर सिर्फ दिल्ली की कार में से पेट्रोल चोरी कर रहे हैं सर। एकदम सही कहा आलिया, मेहुल को ये तो समझ गया था कि दिल्ली वाले नंबर्स की चोरी हो रही है, लेकिन ये अब तक नहीं समझा था कि अगली चोरी कहाँ हो सकती है। मेहुल ये सोच ही रहा होता है कि उस समय आलिया गाते हुए आ रही होती है, A for apple, B for ball। इतना कहते ही वो जोरों से नीचे गिर जाती है और खुद को संभालते हुए उठ जाती है और मेहुल के हाथ में एक मैप देते हुए कहती है, सर शायद मुझे समझ गया है कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। लेकिन क्या आप समझ पाए आखिर आलिया ने मैप में ऐसे क्या देखा जिससे उसे समझ गया कि अगली चोरी कहाँ होने वाली है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, इन एरियाज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए अगली चोरी कहाँ होने वाली है। आलिया दोबारा से गाती है, A for आर्य नगर, B for बलजीत नगर, C for चेतन नगर। दोनों ही मैप देखकर ये एक साथ कहते हैं। मेहुल भी मैप को फिर ध्यान से देखता है तो आर्य नगर, फिर बलजीत नगर और अगला चेतन नगर, तीनों एक ही लाइन में है, मतलब चोरी चेतन नगर में ही होने वाली है। मेहुल तुरंत अपनी कार लेकर चेतन नगर के लिए निकल जाता है और कुछ ही देर में चेतन नगर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर मेहुल देखता है तो वहां तीन टाइप की पार्किंग होती है। अब कौन से पार्किंग में चोरी होने वाली है मेहुल सोच में पड़ जाता है। लॉजिकल आर्मी क्या आप तीनों पार्किंग्स को देख के बता सकते हैं चोरी कहां हो सकती है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल जैसे ही पार्किंग को देखता है वो समझ आता है कि दूसरी पार्किंग में चोरी होने वाली है, क्योंकि अभी तक सारी की सारी चोरी सिर्फ कार्स के पेट्रोल की हुई है, तो हो सकता है अगली चोरी भी कार्स के पेट्रोल की ही होगी। मेहुल तुरंत उस पार्किंग में चले जाता है। वहाँ पर कुछ लोग कार की रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। मेहुल समझ जाता है कि ये दो में से एक कार रिपेयरिंग करने वाले असली है और दूसरे कार रिपेयरिंग करने वाले नकली है जो पेट्रोल चुराने आए हैं। क्या आप इन दोनों को देख के बता सकते हैं कौन से कार रिपेयरिंग वाले पेट्रोल चोर होंगे? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल अपने तेज दिमाग से पता लगा लेता है कि चोर कौन है, क्योंकि जो लोग रिपेयर करने आए थे उनके पास टूल किट होनी चाहिए जैसे पहले वालों के पास है, लेकिन दूसरे वालों के पास वो नहीं है। और दूसरे वालों के कपड़े देखिए कितने साफ है, कार रिपेयरिंग वालों के कपड़े इतने साफ नहीं हो सकते। मेहुल उनके तरफ दौड़ता है और पहले को एक फाइट मारता है और दूसरे को किक मार के गिरा देता है। मेहुल वापस उठता है और जंप करके उसे एक और किक मारता है। वो मेहुल की किक से वहीं बेहोश हो जाता है। फिर मेहुल दूसरे वाले को देखता है लेकिन वो मेहुल को कहीं दिखाई नहीं देता। तभी मेहुल की नजर तीन कार्स पे पड़ती है। मेहुल समझ जाता है कि एक कार के अंदर वो चोर छुपा हुआ है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं वो कौन सी कार के अंदर छुपा हुआ है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चोर असल में उस कार में है जिसमें पैरों के निशान सिर्फ कार के अंदर जाने के हैं, वहां से बाहर आने के नहीं है। वहीं पहली कार में सिर्फ जाने के निशान है, मतलब कोई कार से उतर के गया है। दूसरे में जाने और आने दोनों के निशान है, मतलब आया भी और गया भी। लेकिन तीसरी कार में सिर्फ कार के अंदर जाने के निशान है, मतलब चोर उसी में होगा। मेहुल तुरंत उस कार के पास जाता है और उस चोर को पकड़ लेता है और फिर दोनों चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल और आलिया रॉक्स।